कुछ सीखे सिखाए आते हैं, कुछ सीखे सिखाए आते हैं, कुछ सिखाए सीख नहीं पाते हैं, कुछ बूढ़े पैदा होते हैं, कुछ बच्चे ही मर जाते हैं। चार प्रकार के व्यक्तित्व इन चार लाइनों में दिखाई देते हैं। देयर आर फोर काइंड ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड। कुछ सीखे सिखाए आते हैं, बॉर्न जीनियस। कुछ सिखाए सीख नहीं पाते हैं, डफर्स। कुछ बूढ़े पैदा होते हैं, पीपल हु आर बॉर्न विथ लो एनर्जी। कोई भी काम उनको दे तो बोलेंगे अरे यार नहीं, अभी मूड नहीं है। कुछ बूढ़े पैदा होते हैं और कुछ बच्चे ही मर जाते हैं। बच्चे ही मर जाने से मतलब है कि जो लोगों का इमेच्योरिटी बचपन से लेकर मेच्योरिटी तक इमेच्योरिटी होता है, और कभी जीवन में एक परिपक्वता जिसको हम बोलते हैं इमोशनल एडल्टहुड आता ही नहीं, और वो बच्चे ही मर जाते हैं। क्या खूबसूरत चार लाइन है। कुछ सीखे सिखाए आते हैं, कुछ सिखाए सीख नहीं पाते हैं, कुछ बूढ़े पैदा होते हैं, कुछ बच्चे ही मर जाते हैं। क्या कहना चाह रहा हूं मैं आज इस वीडियो में, आई एम टॉकिंग अबाउट इमोशनल एडल्टहुड, भावनात्मक परिपक्वता। देखिए, पीपल हु आर एबल टू हैंडल देयर ओन इमोशंस, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग अपनी संवेदनाएं संभाल सकते हैं, पीपल हु आर एबल टू हैंडल अदर पीपल इमोशंस, जो दूसरों की भावनाएं समझ सकते हैं, एंड पीपल हु आर एबल टू हैंडल ग्रुप और कम्युनिटी इमोशंस आर द लीडर्स ऑफ 21st century। 21वीं शताब्दी के नेतृत्वकर्ता आप सब लोग तब बनेंगे जब हम खुद के इमोशंस, दूसरे के इमोशंस और सबके इमोशंस को हैंडल करना सीख पाएंगे। दिस इज इमोशनल एडल्टहुड। एक वाक्य सुनिए। मदर टेरेसा एक बहुत धनी व्यक्ति के पास गई और अपनी झोली फैलाकर, साड़ी फैलाकर उन्होंने उनसे बोला कि मेरे बच्चों के लिए कुछ दे दो। कितना अच्छा एक्ट था, व्हाट एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। मतलब मदर टेरेसा इज अ सिनोनिम ऑफ काइंडनेस, संवेदनाओं की पराकाष्ठा, चरम। और उस बिजनेसमैन जिसका आईक्यू बहुत हाई होगा, जिसके पास पैसा बहुत होगा, घमंड और उसका गुमान जबरदस्त होगा, उन्होंने उनकी झोली में थूक दिया। मदर टेरेसा ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ अपनी झोली से उसको साफ किया और फिर से अपनी झोली आगे फैला दी, ये कहते हुए कि ये तो मेरे लिए था, अब मेरे बच्चों के लिए तो कुछ दे दो। कहने की जरूरत नहीं कि टीचर एग्निस के रूप में मदर टेरेसा अपने स्कूल में विफल अध्यापिका थी। शी वॉज अ फेल्ड टीचर, कुड नॉट इवन गेट प्रमोशन, पर इमोशनल क्वेश्चन के दम पर मदर टेरेसा आज भी जीवित है हम सबके बीच में। तो आई बात समझ में। देयर आर पीपल हु हैव वेरी हाई आईक्यू बट दे आर टोटल फेलियर्स, फियास्को इन देयर लाइफ, एंड देयर आर मेनी पीपल हु हैव हाई ईक्यू एंड दे आर अटमोस्ट एंड शियरली सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज। देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना बहुत अच्छी बात है, IITian बहुत अच्छा है, बट केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना या केवल IITian बनना इज नॉट सफिशियंट इन दिस हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। ऐसे लोगों की जरूरत है जो इमोशनल क्वेश्चन में स्ट्रांग हो। एंड लेट मी क्लेरिफाई एंड एलैबोरेट द होल थिंग इन द टर्म्स ऑफ टू कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर बीइंग सक्सेसफुल। वन इज IQ, द अदर इज EQ। यस, यू हर्ड इट राइट, IQ वर्सेस EQ, दिल वर्सेस दिमाग। IQ का एक फॉर्मूला है, वो है मेंटल एज अपॉन रियल एज इंटू 100। मेंटल एज मतलब अगर आपकी उम्र 18 साल की है परंतु आप सोचते हो 20 साल के जैसा या 25 साल के जैसा, तो आप उस फॉर्मूले से निकाल सकते हो आपका IQ क्या है। ऊपर मेंटल एज अपॉन रियल एज इंटू 100, इससे दुनिया आपके लिए तालियां बजाएंगी, इससे मार्कशीट में आपके ए ग्रेड्स आएंगे, इसको लेकर दुनिया में आप बहुत बुद्धिमान लोगों की श्रेणी में आ जाओगे। पर दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है, कोई विद्यालय ऐसा नहीं है जो EQ का फॉर्मूला जानता हो या EQ सिखा पाता हो। यह तो नैसर्गिक रूप से व्यक्ति लेकर पैदा होता है, यह अपने आसपास, अपने माता पिता, घर परिवार, परिवेश को देखकर सीखता है। दिस इज इमोशनल क्वेश्चन। दूसरों की तकलीफों में जब आपको तकलीफ होती है, दिस इज EQ। जब आप सामने वाले की फीलिंग्स को समझकर कुछ बोलते हो, कहते हो, सुनते हो, समझते हो, दिस इज EQ, एंड दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट इन दिस प्रेजेंट वर्ल्ड। तो कोई फॉर्मूला नहीं है EQ का,
इसलिए ईक्यू पर बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है। और ईक्यू क्या है, मैं फिर से बोलता हूँ, खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना, सामने वाले के इमोशंस को समझना और सबके इमोशंस का ध्यान रखना ईक्यू है। अच्छा, अब ये सुनिए, अगर हम मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, वेरी गुड, मैं आपके लिए तालियां बजाता हूं, परंतु अगर जीवन की समस्याओं के सामने आप घुटने टेक देते हैं तो ईक्यू कमजोर है। अगर आप बिजनेस की स्ट्रेटजीज बहुत अच्छी बनाते हैं तो आई विल गिव यू 100 आउट ऑफ 100 थम्स अप, पर आप अगर कस्टमर सेटिस्फैक्शन या कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच पा रहे हैं तो ईक्यू में नीचे जा रहे हैं। इलैबोरेट करने की जरूरत नहीं कि ईक्यू का होना बहुत 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 जरूरी है, और दुर्भाग्य है कि कोई स्कूल, कोई बुक, कहीं कोई ईक्यू सिखाने की बात नहीं करता। तो दिस वी हैव टू लर्न फ्रॉम द एनवायरमेंट अराउंड अस। लॉकडाउन में जब घर परिवार में हम सब एक साथ रहे, एक छत के नीचे रहे, जब स्कूल बंद है, जब यूनिवर्सिटीज बंद है, अब ऐसी सिचुएशंस में जो हमने एक दूसरे के साथ शेयर करना सीखा, दूसरे के इमोशंस को समझे, वी गॉट क्लोज विथ ईच अदर, फैमिली बॉन्डिंग बढ़ी, इमोशंस को समझा, खुद को कंट्रोल करा, कहीं गुस्सा आया तो उसे दबाया या प्रदर्शित नहीं करा क्योंकि वो जरूरी नहीं था। रिलेशनशिप्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन बीइंग सक्सेसफुल। तो समझो, हमने इस दौर में ईक्यू को अपलिफ्ट करा, जो बहुत जरूरी है। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं और अप्लॉड करता हूं उन सब लोगों को जिन्होंने ये सारी चीजें इस दौर में सीखी हैं। अच्छा, बिल गेट्स बोलते हैं कि आई नेवर टॉप्ड एनी यूनिवर्सिटी, मैंने किसी यूनिवर्सिटी में कभी टॉप नहीं करा, अच्छा मेरी इच्छा भी नहीं थी, वो ऐसा भी कहते हैं, आई नेवर टॉप्ड एनी यूनिवर्सिटी बट टॉपर्स ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज आर नाउ वर्किंग विथ मी, पर सारी यूनिवर्सिटीज के टॉपर मेरे साथ काम करते हैं। नारायण मूर्ति ले लें, या हम बात करें बिल गेट्स की, या हम बात करें हर उस सफल व्यक्ति की जो आपको आजू बाजू दिख रहे हैं, अपने परिवार में, परिवेश में, सोसाइटी में, चेक दिस पर्टिकुलर वर्ड, दे माइट नॉट बी हैविंग ग्रेट डिग्रीज, उनके बहुत बहुत डिग्रीज नहीं होंगी, पर उनका ईक्यू बहुत स्ट्रांग होगा। एक ऐसा व्यक्ति अपने परिवार में सोचें, समझें, विचार करें इसको देखते हुए जो आपकी नज़रों में बहुत सफल है, और मैं बता दूं कि वह जरूरी नहीं कि वह IITian हो, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो बहुत अच्छी बात है, मैं फिर बोलता हूं, मैं अपलॉड कर रहा हूं, परंतु उस व्यक्ति में आपको ये चीजें जरूर मिलेंगी, एबिलिटी टू हैंडल ओन इमोशंस, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर पीपल इमोशंस, एबिलिटी टू मैनेज ग्रुप इमोशंस। तो दोस्तों, अगर जीवन में सफल होना है तो केवल दिमाग से नहीं, केवल दिल से नहीं, परंतु दिल और दिमाग, जिस दिन से दोनों से आप सोचना शुरू करेंगे, IQ भी हाई रखेंगे, EQ भी रहेंगे, आप इंटेलिजेंट भी होंगे, आप एम्पैथेटिक भी होंगे, ऐसे में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो विशिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ EQ अलॉन्ग विथ एन IQ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।